चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करके इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे। तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगा वो लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी यूज करना है क्वेश्चन 7 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, कर दीजिए तो क्या होगा 51 प्लस 49, और 51 माइनस 49 ये ऐड करके तो 100 ही हो जाता है, और ये माइनस करके 2 यानी 200। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 153 प्लस 147, और 153 माइनस 147 ये ऐड करके 200 हो जाएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा 13 से 7 के 2 12। ये वाला क्या हो जाएगा 1.02 प्लस 0.98, और 1.02 माइनस 0.98, ये हो गया आपका 2, और ये कितना हो गया 0.04 मल्टीप्लाई होकर 0.08, ये कितना हो जाएगा 12.1 प्लस 7.9, और 12.1 माइनस 7.9 ये कितना हो जाएगा ऐड करके, ये हो जाएगा 20, और ये 11 में से 9 गया तो 2, और 11 में से 7 गया तो 4। हाँ ये कितना हो जाएगा 42 गुना 2 84। अब ये आइडेंटिटी यूज करना है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। 100 को 100 से कर लीजिए 10,000, 100 को 4 से कर लीजिए 400, 3 से 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 300, और 3 को 4 से कीजिए तो 12, ये क्या हो जाएगा 10,712। ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 2, 100 इंटू 100 10,000, ये -200, ये 300, और ये -6। 300 में से 200 गया तो 100, 100 में से 6 गया तो 94, 10,000 प्लस 94 ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 5 प्लस 1/10, और ये हो गया 5 प्लस 2/10। 5 को इससे तो 25, इसको कीजिएगा तो 5 गुना 2/10, इसको कीजिएगा तो 5 1/10, और इसको 1/10 × 2/10, ये तो हो गया 25। ये 5 गुना 2 10 नीचे 10, यानी ये कट करके 1, ये 1/2 यानी 0.5, और ये 0.02 26.52। अब ये लास्ट वाला जो है मैं नहीं करूंगा, ये हो गया कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आया, हो सके तो सॉल्यूशन का पीडीएफ भेज दो। चलिए थैंक यू।